नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स में जहां पर डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सफाई कर्मचारी की एक अहम भूमिका है, वहीं पर हमारे पत्रकार भी एक खास भूमिका अदा कर रहे हैं। वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये लोग भी आम जनता की तरह काम छोड़कर घर पर बैठ जाएं, तो आपके पास देश दुनिया में हो रही घटनाओं और कोरोना वायरस के हालात, पीड़ितों की गिनती आप तक पहुंच नहीं पाएगी। इन पत्रकारों के भी परिवार हैं, उन्हें भी डर लगता है, फिर भी हर मीडिया कर्मचारी अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और दिलेरी के साथ पूरा कर रहा है। हमारे मीडिया कर्मियों ने इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी की गंभीरता के बारे में जनता को जागरूक करवाया है। इन्हीं की हौसला अफजाई के लिए आज मोहाली की मीडिया कर्मियों को यूथ ऑफ पंजाब ने बाबा बाल भारती शिव मंदिर सेक्टर 70 में सम्मानित किया। इसमें यूथ ऑफ पंजाब के प्रधान परमदीप सिंह बैदवान, बब्बू मोहाली, मोहाली के सीनियर पत्रकार हरप्रीत सिंह जसोवाल अपने अन्य सहयोगियों के साथ खास तौर पर उपस्थित रहे। आइए इस संबंधित आपको रितेश कुमार की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। असी देखो जी, ये कहना चाहते हैं, पत्रकार भाईचारा साडा देश का चौथा थंब है, जिदे बिना गड्डी नहीं चलती साड़ी। जिहड़ी कोई अंदरों खबर लियानी या अंदरों कोई मुद्दा ठालना, जिस तरह भी चक लिया के बाहर कढ़ना, वो पत्रकार भाईचारा जिहड़ा फील्ड च काम करता उही कर सकता, असी नहीं कर सकते। अज जिहड़ी बीमारी दे विच चली है, इहदे विच उहनू बाहर लियाण वास्ते या लोगों को जागरूक करन वास्ते आप कह सकते भी लड़ाई लोगों के हौसला देने वास्ते पत्रकारी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अज असी इस करके तो साढ़े जोड़े यूथ ऑफ पंजाब वालों साढ़े सारे मैंबर खड़े उन्होंने वालों एक छोटा जहा उपराला पत्रकार भाईचारे को सम्मान किया गया। देखो जी, बाहर निकलना चाहिए हुण। सारसी तां गल पहला भी कह चुके हैं जी, कई बार ना सानू खबरां राही थोड़े प्रेस राही सुनने नूं मिलदा सी कि एक ज्ञानी जी अपना जिहड़े कालचाणा कर गए सी कोविड राही उत्थे अमृतसर, उत्थे पिंड वालिआं ने भी उहनां नूं एंट्री नहीं दित्ती उहनां नूं उहदी लाश नूं। तो असी डीसी साहब नूं भी यही एक लैटर लिख के मंग करी सी, आपां दित्ती सी भी पहला तां कोई इदां दा ना साडे जिले विच होवे भी ना कोई डैथ होवे किदां दी, पर जे कोई इदां दा कोई हो भी जाणी मतभागी गल कोई हो गई तां असी यूथ ऑफ पंजाब वल्लों अपने सारे वर्कर लेके उहदा दाह संस्कार असी अपने कन्नी करांगे। इहदा डरन दी कोई लोड़ नहीं है, बाहर निकलो। इह बीमारियां बंदिआं नूं पैंदीआं होंदीआं, बंदे ही नजिठदे होंदे, बंदे आ डाक्टर साहब तां बंदे ही ने। पत्रकार भाईचारे दे डॉक्टर साहब जिन्हां दी तनखा अज 8-8, 10-10 हज़ार, इन्हां नाल कुछ नहीं बनता। आ सेवादार जो अज देखो सेवादार है उत्थे लगे हुए ने, सड़कों पर फिर रहे ने, अंदर घर च कूड़ा करकट चक रहे ने, घट्टो घट 50-50 लाख रुपये इन्हों का बीमा सरकार वालों किया जाए। तो असी जे संघर्ष की भी लोड़ पी तो यूथ ऑफ पंजाब असी खड़ा। मैं सब तो पहले तो सारे बधाई देना कि जो कोरोना के उत्ते कंट्रोल पाने पंजाब काफ़ी हद तक जो कामयाब होया, उसदे डॉक्टर साढ़े जो मेडिकल स्टाफ से उन्हें बहुत वधिया जो सहयोग दिता पंजाब वासियों ने। तो ये सारिया जिहड़ियां गल्लां सी उन्हां तक पहुँचाने के लिए पंजाब के पत्रकारों ने अपनी जान तली दे तरके थां थां ते जाके जिहड़ी लोकां दीआं खबरां ने पहुँचाईआं ने कि किवें तो बचना चाहिए, कित्थे किन्ने केस आए ने, सारा कुछ जिहड़ी जानकारी लोकां तक पहुँचाउंदे रहे ने। सब तो वध जिहड़ा खतरा सी पत्रकारां नूं सी, क्योंकि PPE जिहड़ियां किट सीगियां डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल सीगियां, पत्रकारों के लिए नहीं सीगियां। पत्रकारों का कोई बीमा नहीं सी, जिदा परमवीर ने दस्सिया, परमदीप जी ने दस्सिया कि पत्रकारों का 50 लाख का बीमा होना चाहिए, बिल्कुल सही गल। असीं आपदी यूनियन वालों भी पत्रकार भाईचारे वालों भी साझे तौर पर गल कहने कि सारियां इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकारों बहुत सारिया मुसीबत आ रही ने। हालांकि सरकार को भी यह चाहिए कि पत्रकार जोड़े फील्ड के बच्चे अज जिमें परमवीर ने जोड़ा सन्मान किया वा, पत्रकारों का बुला के एक माण दिता वा, उन्होंने बहुत वधिया गल आ। तो सरकार को भी इदा ही चाहिए कि वह इस तरह पत्रकारों दिया जगह ने उन्होंने पहल के आधार पर रखन, जिन्हें पत्रकार फील्ड के ने उन्होंने बहुत सारिया जीडिया इदा दिन मुसीबतों का सामना करना पैदा, उन्होंने हमले भी होंगे ने, तो उन्होंने सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए भी कोई ना कोई कदम चुका है।